A very good evening to you all. Good evening students. So last class में हमने इकोलॉजी चैप्टर कंप्लीट किया था. बेसिकली एक बहुत बड़ी यूनिट थी हमारी, ठीक है, वो खत्म हो चुकी है. आज हमें स्टार्ट करना है बायोटेक्नोलॉजी का. कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में रिप्लाई किया था कि मैम बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड लेक्चर है वो रह रहा है, लाइक उसका जो सेकेंड पार्ट था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, उसके क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, तो आज हम लोग उसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे. गुड इवनिंग दीपिका, गुड इवनिंग अर्शाद, गुड इवनिंग नैनिका, गुड इवनिंग साक्षी, प्रिंस, रितिका. यस, हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इससे क्या है, गोल्डन राइस इज येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. आपके जो गोल्डन राइस है वो येलो कलर के होते हैं किसकी प्रेजेंस की वजह से. सुनहरे चावल का रंग किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है. राइबोफ्लाविन्स, बीटा कैरोटीन या फिर विटामिन B1 या फिर कॉम्प्लेक्स जेनेटिक मटीरियल. राइबोफ्लाविन्स की वजह से या बीटा कैरोटीन की वजह से या फिर आपका विटामिन B1 की वजह से या फिर कॉम्प्लेक्स जेनेटिक मटीरियल. आपका जटिल अनुवांशिक सामग्री किसकी वजह से आपके जो गोल्डन राइस है वो येलो कलर के होते हैं. सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे. वेरी गुड दीपक, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड माहिरा, वेरी गुड केमिस्ट्री बाय लोकेश नागर, वेरी गुड Prince, very good Shikha, very good Deepak, very good Deepika, very good Mahira. Good evening Shikha. Yes, अगर हम बात करते हैं गोल्डन राइस की तो गोल्डन राइस आपका येलो कलर का होता है किसकी वजह से. आपका यहाँ पे आपने देखा होगा डैफोडिल से एक जीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो है आपका बीटा कैरोटीन जीन. बीटा कैरोटीन जो क्या है आपका विटामिन ए का प्रिकर्सर है, आपका प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, ये आपके विटामिन ए का प्रिकर्सर है और इसी की वजह से आपकी बीटा कैरोटीन जीन की वजह से ही आपके क्या है ये येलो कलर के है. आपके जो गोल्डन राइस है वो येलो कलर के किसकी वजह से है, बीटा कैरोटीन जीन की वजह से. बी आपका ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. Which one of the following is not used as a बायोफर्टिलाइजर. कौन सा आपका इनमें से बायोफर्टिलाइजर नहीं है. निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है. बायोफर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है. बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस या फिर एनाबीना या फिर नॉस्टॉक या राइजोबियम, इनमें से कौन सा आपका बायोफर्टिलाइजर नहीं है. सभी स्टूडेंट्स कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे. वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड माहिरा, वेरी गुड अर्शाद, वेरी गुड माधव, वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड दीपिका, साक्षी, माहिरा, माधव, दीपक, नैनिका, सचिन, प्रिंस, साक्षी, वेरी गुड विशाल. यस, इसने पूछा है कि कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है. बैसिलस थुरिंजिएंसिस, एनाबीना, नॉस्टॉक या फिर राइजोबियम. तो अगर हम बैसिलस थुरिंजिएंसिस की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, ये बायो कंट्रोल एजेंट है. बायो फर्टिलाइजर्स और बायो कंट्रोल्स क्या होते हैं. बायो फर्टिलाइजर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं. बायो इज बेसिकली, बायो इसका जो हम यहाँ पे बायो यूज करते हैं, जैसे एक होते हैं आपके बायो कंट्रोल और दूसरे होते हैं आपके बायो फर्टिलाइजर. तो यहाँ पे आपके जो हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म है वो किसके यूज में आते हैं, आपके हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स उनका काम कर रहे हैं। एक तरीके से आपके हम बोल रहे हैं इनको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, वीड्स वगैरह को या फिर इंसेक्टिसाइड्स को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बायो फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके ऑर्गेनिज्म किसका काम कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का काम कर रहे हैं। नेचुरली वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, फंजाई आपकी बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर आती है, साइनोबैक्टीरिया आपके बायो फर्टिलाइजर्स में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया बीजीए, जिसमें अगर हम बात करते हैं एनाबीना, नॉस्टॉक आता है, राइजोबियम आपका बायो फर्टिलाइजर्स में आता है, ठीक है। एगेरोबैक्टीरियम की अगर हम बात करते हैं ये भी आपका किस में आता है, बायो फर्टिलाइजर्स में आते हैं। तो ये तीनों आपके बायो फर्टिलाइजर में आ रहे हैं। बैसिलस थुरिंजिएंसिस आपका बायो कंट्रोल एजेंट है, इसने यही पूछा कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बीटी टॉक्सिन जीन्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, आपके बीटी टॉक्सिन जीन्स है, ठीक है, वो आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट, पौधों में प्रतिरोध प्रदान करने के लिए बीटी टॉक्सिन आपका बीटी टॉक्सिन जीन को व्यक्त किया गया है। लेपिडोप्टेरेंस फंजाई, लेपिडोप्टेरेंस और कवक, एनिमल्स और बैक्टीरिया, जानवर और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंजाई, यहाँ पे आपका इतना ही है, ये सिर्फ बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया और कवक। लास्ट है कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस और डिप्टेरेंस, और आपका लास्ट है लेपिडोप्टेरेंस। तो बीटी टॉक्सिन्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड, बीटी टॉक्सिन्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट, किस किस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, लेपिडोप्टेरेंस, फंजाई, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंजाई, कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस और लेपिडोप्टेरेंस। सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आंसर रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड अर्शाद, वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड अर्शाद खान, वेरी गुड प्रिंस गौतम, वेरी गुड सचिन, वेरी गुड जेके, वेरी गुड माधव, वेरी गुड माहिरा, वेरी गुड साक्षी, माहिरा, दीपिका, माधव, नैनिका, वेरी गुड शिखा। लैब असिस्टेंट की भर्ती नहीं आएगी या आएगी, ठीक है, इन सब क्वेश्चंस में ना फंसकर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो शायद भला हो जाएगा। चलो देखते हैं ऐसे क्या, बीटी टॉक्सिन जीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट, किस किस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, ये आपका लेपिडोप्टेरेंस, आपका कोलियोप्टेरेंस और आपका डिप्टेरेंस। लेपिडोप्टेरेंस एंड फंजाई नहीं, एनिमल्स और बैक्टीरिया नहीं, आपका बैक्टीरिया एंड फंजाई नहीं, कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस ये सही है, लेपिडोप्टेरेंस ये भी सही है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ आपका सही है, फोर्थ और फिफ्थ आपका सही है, डी आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके दीपक, अगर लेपिडोप्टेरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन से आते हैं, आपके टोबैको बड वॉर्म्स और आपके आर्मी वॉर्म्स इसके अंदर आते हैं लेपिडोप्टेरेंस के अंदर। कोलियोप्टेरेंस के अंदर कौन से आते हैं, बीटल्स आते हैं कोलियोप्टेरेंस के अंदर, और आपका एक बच गया डिप्टेरेंस, डिप्टेरेंस के अंदर कौन से आते हैं, फ्लाइज एंड मस्कीटोज आते हैं, ठीक है। डिप्टेरेंस में आपके फ्लाइज एंड मस्कीटोज आते हैं, कोलियोप्टेरेंस के अंदर आपके बीटल्स आते हैं, लेपिडोप्टेरेंस के अंदर आपके टोबैको बड वॉर्म और आर्मी वॉर्म आते हैं। इनके अगेंस्ट होते हैं आपके ये रेजिस्ट, इनके अगेंस्ट आपके हम बोल सकते हैं बीटी टॉक्सिन जीन्स है, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट, किस किस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस और डिप्टेरेंस। आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सही हो गया, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसे कहा बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजिएंसिस डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्व्स बिकॉज, इसमें क्या, बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु में मौजूद बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल जीवाणु को स्वयं नहीं मारते, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिन, बैक्टीरिया विष के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, या फिर टॉक्सिन्स अकर एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के विष पदार्थ निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में होते हैं। बैक्टीरिया एनक्लोज टॉक्सिन्स इन अ स्पेशल सैक, बैक्टीरिया विषाक्त पदार्थों को एक विशेष थैली में बंद कर देते हैं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड माधव, अक्षय, दीपिका, नैनिका, माधव, दीपक, माहिरा, प्रिंस, अरशाद, सचिन, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स सही आंसर रिप्लाई कर रहे हैं। यस, अगर हम बात करते हैं बीटी टॉक्सिन के जो क्रिस्टल्स है प्रेजेंट इन बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को खुद को क्यों नहीं मारते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो टॉक्सिन है वो आपके इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट इसने बोला है क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते हैं टॉक्सिन के लिए नहीं। टॉक्सिन्स अकर एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स इन द बैक्टीरिया, सही बात है, ये आपके टॉक्सिन्स है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सही है। ये बैक्टीरिया इनक्लोज टॉक्सिन्स इन स्पेशल सैक, इसने कहा है आपके स्पेशल आपकी विशेष थैली के अंदर बंद रहते हैं नहीं। आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर आपका सही है। यस, आपके बीटी टॉक्सिन्स, यस अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आपके एल्कलाइन मीडियम इसको चाहिए होता है, ठीक है, बेसिक मीडियम आपको इसको चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द बीटी टॉक्सिन इज नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज बीटी विष है वो मनुष्य के लिए आपका विषैला नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि द प्रो बीटी टॉक्सिन एक्टिवेशन रिक्वायर टेम्परेचर अबव ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। इसने क्या कहा है, क्योंकि प्रो बीटी टॉक्सिन है, सक्रियण के लिए उसे मानव शरीर के तापमान के ऊपर तापमान की आवश्यकता होती है। फिर इसने बोला है द बीटी टॉक्सिन रिकॉग्नाइज ओनली इंसेक्ट स्पेसिफिक टारगेट्स, क्योंकि बीटी विष है वो केवल कीट विशिष्ट लक्ष्य को पहचानता है। द प्रो बीटी टॉक्सिन एक्टिवेशन रिक्वायर पीएच लोअर देन द प्रेजेंट इन स्टमक। इससे क्या है, प्रो बीटी विष सक्रियण के लिए मानव पेट में मौजूद पीएच से कम पीएच की आवश्यकता होती है। लास्ट इसने कहा है कि कन्वर्जन ऑफ प्रो बीटी टॉक्सिन टू बीटी टॉक्सिन टेक प्लेस इन हाईली अल्कलाइन कंडीशंस, कि जो आपका प्रो बीटी विष है उसे बीटी विष के रूपांतरण अत्यधिक क्षारीय स्थितियों में होता है, बीटी विष में उसका रूपांतरण अत्यधिक क्षारीय। वेरी गुड माहिरा, ये क्या कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? माधव आप अपना आंसर चेक करेंगे, अरशाद आप भी, दीपक आपने तो थोड़ी देर पहले इसका एक्सप्लेनेशन तक दिया है, थोड़ी देर पहले ही अपने स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कि मैम बीटी टॉक्सिन है वो ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक नहीं होता, इसका रीजन आपने बताया है, और आप अब आंसर में गलत कैसे कर रहे हो? वेरी गुड अक्षय कुमार, वेरी गुड माहिरा, शिव, अरशाद, माधव, नैनिका, दीपिका, प्रिंस, रितिका, सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर चेक करेंगे। गुड इवनिंग शिव। यस, हम लोग एक कंबाइंड, हम पूरी बायोलॉजी का एक कंबाइंड रख देंगे, आपका मैराथन बोल दो ऐसा कोई वीडियो रख देंगे, ठीक है, जिसके अंदर सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए। अगर हम बात करते हैं बीटी टॉक्सिन इज नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज आपका टॉक्सिक क्यों नहीं होता, क्योंकि इसको आपकी हाईली अल्कलाइन कंडीशन चाहिए होती है आपके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। प्रोटॉक्सिन को आपके हम बोल सकते हैं टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट होने के लिए आपकी हाईली अल्कलाइन कंडीशंस चाहिए होती है। तो द प्रो बीटी टॉक्सिन रिक्वायर टेम्परेचर बिलो अबव ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये गलत हो गया आपका। बीटी टॉक्सिन रिकॉग्नाइजेस इंसेक्ट स्पेसिफिक टारगेट, ये इसका रीजन नहीं है। प्रो बीटी टॉक्सिन रिक्वायर पीएच लोअर देन द प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक, इसे क्या कहा है, ह्यूमन स्टमक में प्रेजेंट होती है उससे कम चाहिए होती है। ह्यूमन स्टमक में तो ऑलरेडी एसिडिक पीएच है, उससे भी कम नहीं चाहिए होती है, क्योंकि इसे अल्कलाइन पीएच चाहिए होती है, एसिडिक पीएच नहीं चाहिए होती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने सी आंसर लगाया है वो यहाँ पे लोअर देख के कैसे लगा रहे हो, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ प्रो बीटी टॉक्सिन टू बीटी टॉक्सिन टेक प्लेस इन हाईली अल्कलाइन कंडीशंस, प्रो बीटी विष का बीटी विष में रूपांतरण अत्यधिक क्षारीय स्थितियों में होता है, सही बात है, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स वर इंट्रोड्यूस इन कॉटन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉटन बॉल वॉर्म्स। निम्नलिखित में से कौन सा जीन कपास में कपास के बॉल वॉर्म्स से बचाने के लिए डाला गया था? आपके कॉटन बॉल वॉर्म्स, कॉटन बॉल वॉर्म्स से बचाने के लिए कॉटन में कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया था? क्राई फर्स्ट, ओके, क्राई1AC या क्राई2AB, इसमें ऑप्शंस मुझे जहां तक लग रहा है BT AC, BT AB, क्राई1AC, क्राई2AB, क्राई AB और क्राई AC, निफ जीन्स। चलो बहुत ही सिंपल ऑप्शन हो गए ये तो। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, लाइक ना ऑप्शन ऐसे दे दिए ना कि अंधा भी सही कर देगा। जस्ट अ जोक, ऐसा नहीं है कि सही में अंधा सही कर देगा, दिखेगा नहीं तो, बट साथ सुन के जरूर सही कर देगा, ठीक है, अगर उसने पढ़ रखा होगा तो। यस सही, ऑलमोस्ट स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं। इसे कहा है कॉटन बॉलवॉर्म्स के लिए, कॉटन बॉलवॉर्म्स के लिए अगर हम बात करते हैं, कॉटन बॉलवॉर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी जीन होती है आपके पास में? क्राई1AC और क्राई2AB। यहाँ पे ना एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। दिख रहा है साफ, क्राई1AC, क्राई2AB, क्या है ये? BT AC, BT AB, क्राई1AC एंड क्राई2AB। एक ही ऑप्शन लग रहा है जो आप लोग जा रहे हो, ऑप्शंस के ऑप्शंस को गो थ्रू कर रहे हो आप, तो सिर्फ एक C ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो सही है, बाकी आप सभी लोग जानते हो। कॉटन बॉलवॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए कॉटन के अंदर जो जीन इंट्रोड्यूस किए गए थे वो कौन कौन से थे? क्राई1AC और क्राई2AB था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो आप क्वेश्चन बता रहे हो वो ये रहा। क्राई2AB एंड क्राई1AB प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट कंट्रोल। आपका क्राई2AB है और यहाँ पे क्राई1AB है। ये क्राई2AB और क्राई1AB, ये क्राई1AB विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं जो नियंत्रण करते हैं। कॉटन बॉलवॉर्म्स एंड कॉर्न बोरर रेस्पेक्टिवली क्रमशः कपास बॉलवॉर्म्स और मकई बोरर, क्रमशः मकई बोरर और कपास बॉलवॉर्म्स, कॉर्न बोरर एंड कॉटन बॉलवॉर्म्स रेस्पेक्टिवली, टोबैको बर्डवॉर्म्स एंड निमेटोड्स रेस्पेक्टिवली, तंबाकू बर्डवॉर्म और निमेटोड, क्रमशः निमेटोड्स एंड टोबैको बर्डवॉर्म्स रेस्पेक्टिवली, क्रमशः निमेटोड और तंबाकू बर्डवॉर्म्स। सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे कि क्राई2AB और क्राई1AB है प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट कंट्रोल, वो कंट्रोल करते हैं, उत्पादन करते हैं, जो नियंत्रण करते हैं, किसका नियंत्रण करते हैं? सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आंसर रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड माहिरा, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड दीपक, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड मोहित, वेरी गुड मनोज, आप अपना आंसर चेक करेंगे। वेरी गुड अक्षय। साइंस जीके क्लासेस, आप भी अपना आंसर चेक करेंगे। नैनिका, आप भी अपना आंसर चेक करेंगे। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर अभी तक, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड प्रिंस, यस। इसने कहा है क्राई2AB और क्राई1AB, तो चलो देख लेते हैं। क्राई1AC की अगर हम बात करते हैं और क्राई2AB की अगर हम बात करते हैं तो क्राई1AC और क्राई2AB ये कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉलवॉर्म्स को। ये दोनों जीन्स कंट्रोल करती है कॉटन बॉलवॉर्म्स को, और जो आपका क्राई1AB है वो कंट्रोल करता है किसको? कॉर्न बोरर को। क्राई1AB कंट्रोल कॉर्न बोरर। तो इससे क्या पूछा है? क्राई2AB, तो क्राई2AB मतलब कॉटन बॉलवॉर्म और क्राई1AB मतलब कॉर्न बोरर। तो पहले आएगा आपका कॉटन बॉलवॉर्म और बाद में आएगा आपका कॉर्न बोरर। क्राई2AB कंट्रोल कर रही है कॉटन बॉलवॉर्म को, कॉटन बॉलवॉर्म और बाद में आएगा आपका कॉर्न बोरर। तो कॉटन बॉलवॉर्म एंड कॉर्न बोरर रेस्पेक्टिवली आपका क्रमशः है कपास बॉलवॉर्म और मकई बोरर। फर्स्ट आपका आंसर सही हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा इसका। कुछ स्टूडेंट्स बी आंसर कर रहे हैं, वो अपना आंसर वापस चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स। आपका आरएनए हस्तक्षेप शामिल है। आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ cDNA एंड आरएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग करके cDNA और आरएनए का संश्लेषण पूरक आरएनए के कारण। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। विशिष्ट mRNA को शांत करना। आपका mRNA की साइलेंसिंग होती है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की वजह से। इंटरफेरेंस ऑफ आरएनए इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए। आपके डीएनए के संश्लेषण में आरएनए का इंटरफेरेंस होना, या सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए, डीएनए से mRNA का संश्लेषण। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस? वेरी गुड माहिरा, वेरी गुड माहिरा, वेरी गुड मोहित, वेरी गुड अरशाद खान। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड मनोज। शिव, आप अपना आंसर चेक करेंगे। वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड दीपक, वेरी गुड नैनिका, वेरी गुड साक्षी। वेरी गुड शिखा, वेरी गुड शिव। यस, अगर हम बात करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? आरएनए इंटरफेरेंस होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का बनना, जिसकी वजह से आपका हम बोल सकते हैं आरएनए की साइलेंसिंग हो रही है, आपकी स्पेसिफिक एमआरएनए की साइलेंसिंग हो रही है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ठीक है। और उसके बाद में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, एक जिसके अंदर आपका सेंस आरएनए होगा और दूसरा आपका एंटी सेंस आरएनए होगा, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो हम कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो ला रहे हैं यहाँ पे, वो कहाँ से आ रहा है? ट्रांसपोजोम्स या फिर आपका वायरल आरएनए जेनेटिक मटेरियल, वहां से ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और आपका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनने के कारण हम बोल रहे हैं उसकी साइलेंसिंग हो रही है, उसे हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। जो आपने देखा था फ्लावर सावर टमाटो के अंदर, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस हमने देखा था, जिसकी वजह से हम उसकी शेल्फ लाइफ जो आपके टमाटर है वो जल्दी से, हम बोलते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका तो जल्दी से वो खराब हो जाते हैं, टमाटर की सॉफ्टनिंग हो जाती है, तो बेसिकली वो चीज़ भी प्रिवेंट होती है आपका इसी से, क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं होगा तो आपकी जो प्रोटीन डिजॉल्विंग प्रोटीन्स है उनका फॉर्मेशन नहीं होगा और उसकी वजह से आप शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ cDNA एंड RNA नहीं, आपका यूजिंग ट्रांसक्रिप्ट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री RNA, ये सही बात है। विशिष्ट mRNA को शांत करना। इंटरफेरेंस ऑफ RNA इन सिंथेसिस ऑफ DNA नहीं। सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA नहीं। आपका बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसे कहा द ट्रांसजेनिक प्लांट फ्लावर सावर टमाटो कैरीज एन आर्टिफिशियल जीन 4। ट्रांसजेनिक पौधा फ्लावर सावर टमाटर में एक कृत्रिम जीन होता है जो क्या करता है? पकने की प्रक्रिया को लेट करता है, उसमें देरी करता है, डिले करता है उसे, राइपनिंग प्रोसेस को, शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, लंबी शेल्फ लाइफ, अनहेंस्ड फ्लेवर, बढ़ा हुआ स्वाद, ऑल ऑफ दीज। ये सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आंसर रिप्लाई करेंगे कि आपका जो फ्लावर सावर टमाटर है उसमें कृत्रिम जीन होता है जो क्या करता है? राइपनिंग प्रोसेस को डिले करता है, शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, फ्लेवर, अनहेंस्ड फ्लेवर, बढ़ा हुआ स्वाद, ऑल ऑफ दीज। ये सभी साइंस जी के क्लासेस, आप अपना आंसर चेक करेंगे। वेरी गुड मनोज बिश्नोई। अगर आप ये देखो, अगर राइपनिंग प्रोसेस डिले होगा, ये चीज आप सोचो, राइपनिंग प्रोसेस डिले होगा तो आपकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। अगर राइपनिंग प्रोसेस, क्योंकि टमाटर का मतलब क्या है? अगर जल्दी से राइपन हुआ तो जल्दी से वो आपका सड़ गल जाएगा, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं राइपनिंग प्रोसेस डिले हुआ तो आपकी शेल्फ लाइफ भी तो बढ़ी ना। वेरी गुड मोहित, वेरी गुड माहिरा, वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड शिखा, वेरी गुड माहिरा, वेरी गुड साइंस जी के क्लासेस, वेरी गुड शिव, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड नैनी का ऑलमोस्ट स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं। फ्लावर सावर टमाटो की अगर हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल जीन होता है जो राइटनिंग प्रोसेस को डिले करता है, लॉन्गर शेल्फ लाइफ और फ्लेवर भी एनहेंस। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, अगर जल्दी से वो राइपन हो जाएगा और उसकी हम बोलते हैं टमाटर की क्वालिटी खराब हो जाएगी तो हमें उतना अच्छा उसका फ्लेवर भी नहीं आता है। ये आप लोग सभी जानते हो एक फ्रेश टमाटो जो होता है और एक आपका हम बोल सकते हैं जो टमाटर मुरझा जाता है बेसिकली, क्योंकि आपकी वहां पे शेल्फ लाइफ कम होती है उस टमाटर के अंदर और हम लोग उसको खाते भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं डिले, पकने की प्रक्रिया में देरी, लंबी शेल्फ लाइफ और बढ़ा हुआ स्वाद, आपके ट्रांसजेनिक जो फ्लावर सावर टमाटो होता है, ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, डी का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इसे का हाउ मैनी रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स वर्ल्ड वाइड हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज। ह्यूमन यूज के लिए दुनिया भर में कितनी पुनः संयोजक उपचारों को मानव उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। हाउ मैनी रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स वर्ल्ड वाइड हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज। 13, 25, 30, 40 वेरी गुड माहिरा, वेरी गुड माहिरा। रिमेनिंग स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आंसर रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड मोहित। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड माधव, वेरी गुड मोहित। थैंक यू शिव, वेरी गुड नानिका, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड माधव। वेरी गुड साइंस जीके क्लासेस, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड शिव, वेरी गुड अर्शाद, वेरी गुड शिव कुमार, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड माधव, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड दीपक। ऑलमोस्ट स्टूडेंट सही रिप्लाई कर रहे हैं। टोटल कितनी रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स है जो ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव हो चुकी है? 30। और इनके अंदर इन 30 रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स के अंदर, इन 30 थेरेप्यूटिक्स के अंदर आपके इंडिया के अंदर प्रेजेंटली कितनी मार्केटेड हो रही है, कितनी थेरेप्यूटिक्स ऐसी है जिनकी इंडिया के अंदर मार्केटिंग हो रही है। इन 30 के अंदर से 12 आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड इन इंडिया। इसके अंदर आपकी 12 थेरेप्यूटिक्स, 12 रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स तो आपकी ऐसी है जो इंडिया के अंदर भी चल रही है, जिनकी इंडिया में भी मार्केटिंग हो रही है। तो हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स वर्ल्ड वाइड हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज। ह्यूमन यूज के लिए 30 है एंड इन 30 के अंदर से 12 आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड इन इंडिया। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। गुड इवनिंग कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जैसे क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। अधिकांश बीटी विषाक्त पदार्थ कीट समूह विशिष्ट है। RNA interference, RNAi, take place in all eukaryotic as well as prokaryotic organisms as a method of cellular defense. इसे क्या कहा है? RNA interference जो है आपका RNAi है, वो सेल्यूलर रक्षा की एक विधि के रूप में सभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। थर्ड, इसने कहा रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस इन ह्यूमंस। पुनः संयोजक चिकित्सा विज्ञान मनुष्यों में अवांछित प्रतिरक्षा विज्ञानी प्रतिक्रियाओं को प्रेरित नहीं करता है। अनवांटेड जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, उन्हें ये प्रेरित नहीं करता है, उन्हें ये इंड्यूस नहीं करता है। अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज कैन बी कंट्रोल बाय टेकिंग इंसुलिन एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल्स। आपका रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे हम बोल सकते हैं अगर हमने इंसुलिन लिया है तो हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। नियमित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से वयस्क शुरुआत मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा कथन सही नहीं है। सभी स्टूडेंट्स कॉमेंट सेक्शन में आंसर रिप्लाई करेंगे। यस, ऑलमोस्ट स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं। बीटी टॉक्सिन्स है वो आपके इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, ये बात सही है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक बट नॉट इन प्रोकैरियोटिक। आपके जो आरएनए इंटरफेरेंस सेल्यूलर रक्षा की एक विधि के रूप में सभी यूकैरियोटिक में होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, ये गलत हो गया आपका। रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स है, डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, ये सही बात है। पुनः संयोजक चिकित्सा विज्ञान मनुष्यों में अवांछित प्रतिरक्षा विज्ञानी प्रतिक्रियाओं को प्रेरित नहीं करता है, सही बात है। नियमित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से वयस्क शुरुआत मधुमेह को नियंत्रण किया जा सकता है। इससे पूछा था कौन सा आपका सही नहीं है, कौन सा कथन आपका नॉट करेक्ट, आपका सेकंड आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्रो इंसुलिन इंटू द मैच्योर इंसुलिन, आपका जो प्रो इंसुलिन है वो जब मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट होता है, प्रो इंसुलिन से जब मैच्योर इंसुलिन बनता है उस टाइम की ये बात कर रहा है। परिपक्व इंसुलिन में प्रो इंसुलिन के प्रसंस्करण के दौरान सी पेप्टाइड इज एडेड टू प्रो इंसुलिन, सी पेप्टाइड को प्रो इंसुलिन से जोड़ा जाता है। सी पेप्टाइड इज रिमूव फ्रॉम प्रो इंसुलिन, सी पेप्टाइड को प्रो इंसुलिन से हटा दिया जाता है। बी पेप्टाइड इज एडेड टू प्रो इंसुलिन, बी पेप्टाइड को प्रो इंसुलिन में जोड़ा जाता है। बी पेप्टाइड इज रिमूव फ्रॉम प्रो इंसुलिन, बी पेप्टाइड को प्रो इंसुलिन से हटा दिया जाता है। आपको बताना है जब प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनता है उस टाइम पे क्या होता है। यस, ऑलमोस्ट स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं इसका। चलो देखते हैं, आपका प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनता है तो बेसिकली अगर हम प्रो इंसुलिन की बात करते हैं तो प्रो इंसुलिन में आपकी ए चेन, बी चेन और आपकी सी चेन, तीनों चेन होती है आपकी ए बी सी। लेकिन जब हम प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनाते हैं, जब हम प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनाते हैं तो यहाँ से हम सी चेन को हटा देते हैं। ए और बी चेन डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा जो जुड़ी होती है, ए और बी चेन है वो आपकी क्या होती है, मैच्योर इंसुलिन बनाती है। सी चेन को हटा दिया जाता है जब प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनता है। तो सी पेप्टाइड क्या ऐड होती है प्रो इंसुलिन में? नहीं, सी पेप्टाइड रिमूव होती है। हाँ जी, प्रो इंसुलिन से आपकी सी पेप्टाइड रिमूव की जाती है, ए और बी चेन आपकी होती है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। सी पेप्टाइड को प्रो इंसुलिन से हटा दिया जाता है। जीके कब स्टार्ट होगी? विल सी। मैम को इसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि आप लोगों की जीके कब स्टार्ट होगी। ठीक है, सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन आर नॉट करेक्ट। इसने क्या बोला है, आपके कौन से कथन है वो सही नहीं है, किसके संबंध में? आपकी संरचना के संबंध में, आपके प्रो इंसुलिन और आपके मैच्योर इंसुलिन, आपके अपरिपक्व इंसुलिन और आपका परिपक्व इंसुलिन की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। प्रो इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ए बी सी। प्रो इंसुलिन है वो आपकी 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनता है ए बी और सी। सी पॉलीपेप्टाइड चेन 33 अमीनो एसिड्स की होती है विच इज रिमूव्ड प्रायर टू इंसुलिन फॉर्मेशन। इससे कहा है इंसुलिन बनने से पहले जो आपकी 33 अमीनो एसिड वाली सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को हटा दिया जाता है। आपके 33 अमीनो एसिड वाली पॉलीपेप्टाइड चेन को हटा दिया जाता है। मैच्योर इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड्स अरेंज इनटू 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ए चेन और बी चेन। आपका जो परिपक्व इंसुलिन है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है ए और बी में व्यवस्थित 51 अमीनो एसिड से बना होता है। फोर्थ इसने कहा है पॉलीपेप्टाइड चेन ए के पास में 30 अमीनो एसिड होते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बी के पास में 21 अमीनो एसिड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए में 30 अमीनो एसिड होते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी में 21 अमीनो एसिड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स ए एंड बी आर इंटरकनेक्टेड बाय ओनली वन डाइसल्फाइड लिंकेज, आपकी ए और बी चेन है वो इंटरकनेक्टेड होती है, सिर्फ एक डाइसल्फाइड लिंकेज से आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आंसर रिप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है। वेरी गुड माहिरा, वेरी गुड माधव, वेरी गुड दीपक, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड नैनिका। वेरी गुड शिव, वेरी गुड शिखा, वेरी गुड अर्शाद, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड माहिरा। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स सही आंसर रिप्लाई कर रहे हैं। चलो देखते हैं। Proinsulin is made up of 3 polypeptide chains, chain A, chain B and chain C. सही बात है, ये 3 polypeptide chains होती है A, B, C, ये बात सही है। C polypeptide chain with 33 amino acid is removed prior to insulin formation, ये भी बात सही है। आपका C polypeptide है वो remove किया जाता है। Mature insulin में 51 अमीनो एसिड होते हैं, ये बात भी सही है। दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर A और B के अंदर 51 अमीनो एसिड होते हैं। A के पास में 30 नहीं होते हैं, A के पास में 21 अमीनो एसिड होते हैं और B के पास में आपके 30 अमीनो एसिड होते हैं। ये आपकी A चेन है, ये B चेन है। A चेन के पास में होते हैं 21 अमीनो एसिड, B चेन के पास में होते हैं 30 अमीनो एसिड। और अगर किसी ने पूछा कि C चेन के पास में कितने अमीनो एसिड होते हैं तो ध्यान रखेंगे C चेन के पास में होते हैं 33 अमीनो एसिड, 33 अमीनो एसिड। तो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी आर इंटरकनेक्टेड बाय ओनली वन डाइसल्फाइड लिंकेज, नहीं यहाँ पे दो डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। फोर्थ एंड फिफ्थ आपका गलत हो गया, सी आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों गलत है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसे क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी कैन बी परमानेंटली क्योर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। निम्नलिखित में से किस विधि के में से एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को स्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, आपकी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में आपकी जीन थेरेपी, या फिर ऑल ऑफ दीज परमानेंटली क्योर्ड बाय, आपका एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी परमानेंटली क्योर्ड बाय, किस प्रकार से इसको स्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, आपका अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में जीन थेरेपी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आंसर अप्लाई करेंगे। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स सही आंसर रिप्लाई कर रहे हैं। यस, अगर हम बात करते हैं परमानेंटली क्योर्ड कैसे होता है तो आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये आपका कंप्लीट क्योरेटिव नहीं है, ये आपके परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, हम बोल सकते हैं ये परमानेंट मेथड नहीं है आपके एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी को परमानेंटली क्योर करने के लिए। आपकी अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अगर जीन थेरेपी कर दी जाए तो वो आपका परमानेंट क्योर होता है। आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी आर नॉट कंप्लीटली क्योरेटिव। फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी किसमें हुई थी? 4 ईयर की गर्ल में हुई थी, 4 साल की लड़की के अंदर, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है, 1990 में ये हुई थी, जिसके अंदर आपके एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी थी। और ये जीन कैसे उसका डेफिशिएंसी हुई थी? डिलीशन की वजह से उसमें इस जीन की डेफिशिएंसी थी। और ये परमानेंट रूप से हम बोल सकते हैं, ये स्थायी रूप से आपका अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही जीन थेरेपी कर दी जाती है तो ये परमानेंट रूप से सही हो जाता है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस रहे हैं इस चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपके कल इसके, ठीक है, आपके कल इसके बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस वाले कुछ क्वेश्चंस रहे हैं जिसमें आपका बायो पेटेंट, पायरेसी वगैरह हो गया, उसकी हम लोग बात कर लेंगे। और कुछ एक क्वेश्चंस रहे हैं, कुछ एक टॉपिक्स के क्वेश्चंस रहे हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर द टुडे सेशन। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम कल की क्लास में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।